अगर हम 6 महीना पहले सोचते कि इंडिया गठबंधन नामक कोई चीज बनेगी तो काफी लोग कहते कि ना बाबा, ये तो एक कमरे में नहीं बैठेंगे, कैसे आप अलायंस की बात कर रहे हो। लेकिन कमरे में बैठ गए, उसके बाद नामकरण भी हो गया। अब ये देखिए, ये अलायंस मूलतः विधानसभा के लिए नहीं है, ये अलायंस मूलतः है लोकसभा चुनाव के लिए, और ये एक तरह से बीच में इंटरेग्नम था। तो खींचातानी हुई, आपने सही कहा, छत्तीसगढ़ ही नहीं, राजस्थान में भी सीपीएम ने 17 कैंडिडेट उतारे जी। आम आदमी पार्टी कितना सेंट्रल है अभी इस अलायंस में वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन हाँ, सपा और कांग्रेस के अंदर जो तनातनी हुई और सार्वजनिक हुई, उससे अलायंस की छवि को नुकसान पहुंचता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सही मायने में इंडिया अलायंस की बातचीत और नेगोसिएशंस कल सुबह से शुरू होंगी। अभी तो सब लोग इंतजार कर रहे थे कि देखो विधानसभा हो लें तो क्योंकि पता लगे किसका कितना वजन है। तो सही मायने में लोकसभा की नेगोशिएशंस तो कल सुबह से शुरू होंगी। और मुझे लगता है कि ना तो इनकी 100% अंडरस्टैंडिंग होने वाली है और ना ही ये अलायंस टूटने वाला है। इसके बीच में कहीं स्थिति बनी रहेगी लोकसभा चुनाव तक, जो सर, बड़े राज्य उसको विपक्ष की भाषा में मौका परस्ती कहें तो क्या सही होगा? राज्य नहीं, अलायंस का जहां फर्क है, असली राज्य है मध्य प्रदेश है जी। क्या उसको विपक्ष की भाषा में मौका परस्ती अगर कहें तो क्या सही शब्द होगा सर, कि ना सहमति बनेगी ना गठबंधन टूटेगा? या राजनीति का बीच का रास्ता अनुराग, देखिए अलायंसेस तो हमेशा ही मौका और परिस्थिति को देखते हुए बनते हैं। अलायंसेस में आपको ये तो उम्मीद कर, अलायंस कोई एक परिवार नहीं है, कोई एक पार्टी नहीं है, अलग अलग पार्टियां हैं जिनमें खींचतान है, हमेशा रही है, चलती है। पार्टियों के भीतर भी खींचतान रहती है, पार्टियों की भीतर की खींचतान को आमतौर पर छुपाया जाता है और पार्टियों के बीच की खींचतान सार्वजनिक हो जाती है। ये राजनीति में हमेशा होता है, कोई खाली इंडिया अलायंस में नहीं, तमाम राजनीति में ऐसा होता है। मगर मुझे लगता है कि जिन राज्यों में फर्क पड़ेगा, महाराष्ट्र में अलायंस से फर्क पड़ेगा, वहां बना रहेगा। बिहार और झारखंड में अलायंस से फर्क पड़ेगा, वहां बना रहेगा। बाकी राज्यों में अलायंस जहां है, कई जगह पे अलायंस की खींचतान इसलिए है कि अलायंस की जरूरत नहीं है लेकिन कोई और चाहता है, जैसे बंगाल में टीएमसी और लेफ्ट में अगर खींचतान होती है तो स्वाभाविक है वो एक अलग तरह की खींचतान है जी। या मध्य प्रदेश में सपा और कांग्रेस की जो खींचतान है वो चुनाव जीतने के बारे में नहीं है, वो कुछ और किस्म की खींचतान है, वो चलती रहेगी। ठीक है एनके सिंह जी, राजस्थान का अगर जो टैली आ रही है अभी, नेक टू नेक भी बीच बीच में कई बार ये टैली हो जा रही है कि जब जहां पर दोनों में एक दो सीटों का ही अंतर आ रहा है, शायद